यूपी एलटीग्री टीचर मैथमेटिक्स एंड डीजीटी पीएचडी मैथ्स के लिए कोऑर्डिनेट का हमारा वीडियोस नंबर है 5। इसमें चल रहा है दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाला समीकरण। क्वेश्चन है एक रेखा युग्म, क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे रेखा युग्म ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से दो निरूपित रेखाओं में से एक अगर वाई इक्वल टू mx है, यदि ये तभी होगी ए प्लस का 2hm प्लस का बी एम स्क्वायर बराबर 0। दो रेखाओं में से एक वाई इक्वल टू mx उस कंडीशन में हो पाएगी जब ए प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें वाई इक्वल टू एम एक्स पुट कर देते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस का बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यह होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hm एक्स स्क्वायर प्लस का बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को हमने निकाला ए प्लस का 2hm प्लस का बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, देन ए प्लस का 2hm प्लस का बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। यदि एक लाइन उनमें से वाई इक्वल टू एम एक्स है तो तभी होगी जब ए प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर 0 होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बी एक्स स्क्वायर माइनस का 2hxy प्लस का ए वाई स्क्वायर बराबर 0 एंड उस युगल रेखा को निरूपित करता है जो समीकरण इतने द्वारा रेखा पर लंब है। दूसरी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर बराबर 0 पर लंब है, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर रेखा पर लंब है। ठीक है, ये हमको कंडीशन इसका शो करके लाना है कि पहली वाली जो लाइन है दूसरी वाली पे फिर लंब लंब लाइन बनती है, यानी कि पहली वाली लाइनों से दूसरी वाली लाइन का निर्माण करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लाइन है, हाँ, या एक काम करें, इसके इसके जो प्रवणता है निकाल लेंगे, इसकी प्रवणताओं से उस लाइन का निर्माण कर देंगे, युगल रेखा निरूपित करते हैं, युगल रेखा का समीकरण निकालना है। क्वेश्चन था, एक बार पढ़ते हैं, सिद्ध करना है बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस का बी ए वाई स्क्वायर बराबर 0 उस युगल रेखा को निरूपित करता है जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा पर लंब है, यानी इसके द्वारा निरूपित रेखाएं बनानी है और उस पर ये कंडीशन बन के आएंगे। तो जनरल जो फॉर्म था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर बराबर 0 में जो प्रवणताएँ होती हैं एम वन प्लस एम टू इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन बी एंड एम वन एम टू इक्वल टू होता है ए अपॉन बी, तो इससे निरूपित रेखाएँ होती हैं, निरूपित रेखाएं y इक्वल टू एम वन एक्स एक तो होगी y इक्वल टू एम वन एक्स हो जाएगी एंड y और दूसरी होती है y इक्वल टू एम टू एक्स। तो पहली वाली में कंडीशन बन जाएगी एम वन एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0 एंड दूसरी हो जाएगी एम टू एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0। यदि रेखाएं लंब हैं, है ना, लंब है, तो उस कंडीशन में ये तो इसके जनरल इक्वेशन हुआ करती है, ऐसे हमें लंब रेखा बनानी है, लंब रेखा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एम वन एक्स प्लस उल्टा होता है लंब रेखा का समीकरण किसी का निकालते हैं मूल बिंदु से लंब रेखा समीकरण, ये बदल जाता है, यहाँ आ जाता है साइन भी प्लस हो जाता है, यानी एक्स प्लस का एम वन वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण यह होगा, ऐसे ही इसका लंब रेखा का समीकरण होगा एक्स प्लस का एम टू वाई इक्वल टू 0। इनका कम्बाइंड इक्वेशन बना के हमको ये लाना है। तो लंब रेखा का समीकरण, ये जो इन इसके और इसके लंब रेखा के समीकरण आए हैं उनसे कम्बाइंड यानी कि व्यापक समीकरण आएगा, लंब रेखा का व्यापक व्यापक समीकरण या जनरल इक्वेशन, दोनों को इसमें मल्टीप्लाइंग कर देंगे। मल्टीप्लाइंग करने के बाद यहाँ से ये वैल्यूज उसमें पुट करना है, वो इक्वेशन फाइंड हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या बनता है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स एम टू वाई प्लस का एक्स एम वन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स एम टू वाई प्लस का एक्स एम वन वाई प्लस का एम वन एम टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का
एक्स वाई कॉमन लेंगे, एम वन प्लस का एम टू प्लस का एम वन एम टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई एम वन प्लस एम टू माइनस का टू एच अपन बी एंड एम वन एम टू ए अपन बी हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं बी। एलसीएम लेने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो ये आना चाहिए। बी एलसीएम लेंगे तो बी एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा टू एच एक्स वाई प्लस का ए वाई स्क्वायर अपोन बी होगा, वो जीरो में पहुँचा दिए जाएंगे। यानी कि इक्वेशन लंब रेखा का जो समीकरण है, व्यापक समीकरण, यही आ जाएगा जो हमको लाना था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु एक्स वन वाई वन से सरल रेखा हो, यानी यहाँ पे दो रेखा छुपी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर बराबर जीरो पर डाले गए लंबों का गुणनफल, यानी कि दो लंब आएंगे उनका जो मल्टीप्लाइंग्स आएगा वो ए एक्स वन स्क्वायर प्लस का टू एच एक्स वन वाई वन प्लस का बी वाई वन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस का बी का हॉल ऑफ स्क्वायर प्लस का फोर एच स्क्वायर होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो पहली वाली जो लाइन इससे बनती है, इससे समीकरण में लाइन बनती है, एक तो वाई इक्वल टू एम वन एक्स बनती है एंड दूसरी जो बनती है वाई इक्वल टू एम टू एक्स बनती है। उनकी प्रवणताओं का योग एम वन प्लस एम टू इक्वल टू माइनस का टू एच अपॉन बी होता है एंड एम वन एम टू इक्वल टू ए अपॉन बी होता है। तो यहाँ से जो लाइन बन जाएगी वाई माइनस का एम वन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगी, इसको पहली लाइन कह देंगे, बाई वन कह देंगे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बाई वन माइनस का एम वन एक्स इक्वल टू जीरो और इसको कह सकते हैं बाई टू माइनस का एम टू एक्स इक्वल टू जीरो। प्रवणताओं का गुणनफल हमको लेना है। तो पहली में जो लंब है, लंबों का गुणनफल लेना है। पहले पे इस पे पड़ने वाला लंब पी वन अगर होगा तो बाई वन माइनस का एम वन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम वन स्क्वायर होगा एंड दूसरी पे पड़ने वाला लंब होगा बाई टू माइनस का एम टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम टू का हॉल ऑफ स्क्वायर। अब लेना है लंबों का गुणनफल, यानी पी वन इंटू पी टू। तो हो जाएगा पी वन इंटू पी टू इक्वल टू बाई वन माइनस का एम वन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस का एम वन स्क्वायर एंड बाई टू माइनस का एम टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस का एम टू का हॉल ऑफ स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाइंग कर देंगे दोनों का, लंबों का गुणनफल ही हमको निकालना है। एम वन प्लस एम टू एंड एम वन एम टू का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा वाई वन स्क्वायर माइनस का एम वन प्लस का एम टू एक्स वन वाई वन प्लस का एम वन एम टू वाई वन सॉरी एक्स वन का स्क्वायर एम वन एम टू एक्स वन का स्क्वायर। यहाँ एक्स वन था और इसमें भी एक्स वन है ना, पहली लाइन एक जगह से ही बन रही है। एक्स को एक्स वन अगर ट्रीट करते हैं एक पॉइंट से अगर ले जाते हैं तो यहाँ पे जो अंदर टर्म्स हैं यहाँ हो जाएगा वन प्लस का एम वन स्क्वायर प्लस का एम टू स्क्वायर प्लस का एम वन स्क्वायर एम टू का हॉल ऑफ स्क्वायर। एम वन प्लस एम टू का वैल्यू पुट कर देते हैं, एम वन प्लस एम टू था हमारे इसका टू एच अपॉन बी या एक्स वन वाई वन प्लस एम वन एम टू ए अपॉन बी और ये एक्स वन स्क्वायर। एक्स वन स्क्वायर रखते हैं क्योंकि एक पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन ले लेंगे। एम वन प्लस एम टू का हॉल ऑफ स्क्वायर माइनस का टू एम वन एम टू, इसका हॉल ऑफ स्क्वायर अगर बनाते हैं तो टू एम वन एम टू जोड़ेंगे टू घटाएंगे प्लस एम वन एम टू यानी कि ए अपॉन बी का हॉल ऑफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद वही क्वेश्चन आ जाएगा जो हमको प्रूफ करना है। तो ऊपर से एलसीएम लेंगे वन अपॉन बी, यह हो जाएगा बी वाई वन स्क्वायर प्लस का टू एच एक्स वन वाई वन प्लस का ए एक्स वन का हॉल ऑफ स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा वन प्लस का फोर एम वन प्लस एम टू का वैल्यू माइनस का टू एच अपॉन बी रख देंगे तो फोर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का टू ए अपॉन बी। एम वन एम टू का वैल्यू रख दिया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, सॉल्व करने के बाद ऊपर बनेगा वन अपॉन बी ए एक्स वन स्क्वायर प्लस का टू एच एक्स वन वाई वन प्लस का बी वाई वन स्क्वायर अपॉन वन अपॉन बी। यहाँ पे एलसीएम कॉमन ले लिया, फोर एच स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन अपॉन बी से वन अपॉन बी कैंसिल हो गया और इसका जो नेक्स्ट लाइन है वो आंसर हो जाएगा। नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पे ए माइनस है
बी का होल ऑफ स्क्वायर ये 2ab होगा, यहाँ पे 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर होगा, नहीं ए स्क्वायर होगा ये वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होगा प्लस का 4h स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन इसका हो जाएगा ए एक्स वन स्क्वायर प्लस का 2hx1y1 प्लस का बी वाई वन स्क्वायर अपॉन ए माइनस का बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 4h स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होना था।